कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वहां से आगे की बातें। आज हम IUPAC नामकरण की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने IUPAC नामकरण के शुरुआत के दो पदों को समझा था। शुरुआत के दो पद कौन कौन से थे बेटा? शुरुआत के दो पद थे मुख्य श्रृंखला का चयन और दूसरा क्या था बच्चा? अंकन का नियम। मुख्य श्रृंखला का चयन और अंकन कैसे करते हैं, इन दोनों को हम समझ चुके हैं। अब हमें तीसरे स्टेप पे जाना। तीसरा स्टेप है बेटा नामकरण। पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर अंकन करते हैं और उसके बाद हम करते हैं बच्चों नामकरण। तो दो स्टेप तो हो चुके, अब हमको तीसरे स्टेप पे जाना है। तो अभी तक हमने बेटा सबसे पहले मुख्य श्रृंखला के चयन की बात की है। मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं वो हमने देख लिया। मुख्य श्रृंखला के चयन के नियम में सबसे पहले बच्चों हम किसका चयन करते हैं? चलो आप मुझे बताओ नियम, मैं यहां पे लिखूंगा। बताओ मुख्य श्रृंखला के चयन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला के चयन में हम सबसे पहले अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो जब भी मुख्य श्रृंखला का चयन होता है तो मुख्य श्रृंखला के चयन के दौरान उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं जिसमें अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह हो, वो कार्बन श्रृंखला को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं बताओ? बताओ लाइव चैट में लिखो, फटाफट लिखो। क्रियात्मक समूह के बाद में फिर हम क्या देखते हैं बताओ? बताओ अधिक संख्या में, बताओ बताओ अधिक संख्या में बहुबंद वाली कार्बन श्रृंखला। अधिक संख्या में बहुबंद वाली कार्बन श्रृंखला ये देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं बेटा इसके बाद? क्या देखते हैं इसके बाद? हम देखते हैं कार्बन की संख्या। क्या देखते हैं? कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या देखते हैं। कार्बन की संख्या के बाद क्या देखते हैं बेटा? प्रतिस्थापियों की संख्या। क्या देखते हैं? प्रतिस्थापियों की संख्या। और प्रतिस्थापियों की संख्या के बाद क्या देखते हैं बेटा? अंकन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? अंकन देखते हैं। चलिए तो दूसरा नियम हम देखते हैं अंकन। ये तो था मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम। अब अगला नियम हम देखते हैं बेटा क्या? अंकन। फिर हम क्या करते हैं? नंबरिंग, अंकन करते हैं। मुख्य श्रृंखला के चयन का ये नियम पता आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं अंकन। अंकन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह को, प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह को अंकन, प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंकन। फिर हम क्या देखते हैं? क्रियात्मक मुख्य क्रियात्मक समूह के मुख्य क्रियात्मक समूह के सभी
इसको ऐसा लिखें, सभी मुख्य क्रियात्मक समूहों के लिए, सभी मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए निम्नतम अंकन समूह, यही देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम बहुबंध को निम्नतम अंकन, उसके बाद हम देखते हैं बहुबंध, सभी बहुबंध के लिए निम्नतम अंकन समूह, सभी बहुबंध के लिए निम्नतम अंकन समूह। फिर हम क्या देखते हैं बेटा, फिर हम देखते हैं प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन, यही आता है बेटा, प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन यही आता है। और उसके बाद क्या आता है, सभी प्रतिस्थापियों के लिए निम्नतम अंकन समूह। उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है द्विबंध, उसके बाद क्या आता है त्रिबंध, और त्रिबंध के बाद में क्या आता है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आता है। ठीक है, तो ये है बच्चों अंकन का नियम जो कि हमें ध्यान रखना है। ये दो चीजें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी, मैंने आपको समझाया भी था कि मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं और अंकन का नियम हम कैसे लागू करते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम बच्चों तीसरे स्टेप पे जाएंगे, मतलब कि जब भी आप IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण के दौरान बेटा तीन स्टेप होते हैं, IUPAC नामकरण के दौरान तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, सबसे पहला पद होता है मुख्य श्रृंखला का चयन, फिर इसमें दूसरा पद होता है अंकन का, दूसरा पद कौन सा होता है बेटा अंकन का, और तीसरा पद होता है बेटा इसमें नामकरण का, किसका होता है बेटा नामकरण का। पहले दो पद तो हमने लिख दिए, मुख्य श्रृंखला का चयन और अंकन, ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। अब हमको क्या देखना है, अब हमको तीसरा स्टेप देखना है, तीसरा स्टेप कौन सा है नामकरण। तो अब हमें देखना है क्या बच्चों, तीसरा स्टेप नामकरण, क्या देखना है नामकरण, तीसरा स्टेप हमें देखना है नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, चलो नामकरण यहां से हम लिखते हैं, ठीक है नामकरण, थर्ड स्टेप है यहां पे नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले बीच में आप लिखते हैं मूल शब्द, नामकरण के लिए सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं मूल शब्द क्या है, नामकरण के लिए सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं मूल शब्द क्या है। मूल शब्द का मतलब है आपने जो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया है ना बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो चयन किया है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। मूल शब्द में क्या आता है बेटा, मूल शब्द में हमेशा देखा जाता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला हमने सेलेक्ट की है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने भी कार्बन है उसके लिए हम मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है बेटा, मेथ आता है। मान लो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है, एथ आता है। मान
मान लो 51 है, 51 के लिए मूल शब्द क्या आता है? प्रोप आता है। मान लो 451, 451 के लिए मूल शब्द क्या आता है? ब्यूट आता है। मान लो 551 है, 551 के लिए मूल शब्द क्या आता है? पेंट आता है। मान लो 651 है, 651 के लिए मूल शब्द क्या आता है? हेक्स आता है। मान लो 751 है, 751 के लिए मूल शब्द क्या आता है? हेप्ट आता है। सुना होगा ये सब आपने, अरे ये सब आपने सुना होगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 851 तो 851 के लिए क्या आता है? ऑक्ट आता है। हिंदी में लिखते हैं ऑक्ट। 951 है तो 951 के लिए क्या आता है? नॉन आता है। क्या आता है बेटा? नॉन आता है। और 1051 है तो 1051 के लिए क्या आता है? डेक आता है। क्या आता है? डेक आता है। अगर 1151 है तो 1151 के लिए अनडेक आता है। क्या आता है? अनडेक। 1251 तो 1251 के लिए डोडेक आता है। क्या आता है बेटा? डोडेक। 2051 है तो 2051 के लिए आइकोस आता है बेटा। क्या आता है? आइकोस। 3051 तो 3051 के लिए ट्राइकोंट आता है बेटा। क्या आता है? ट्राइकोंट। 4051 तो टेट्राकोंट, पेंटाकोंट, हेक्साकोंट, है ना। इस तरह से बच्चों ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। चलो मूल शब्द के बाद फिर हम लिखते हैं बच्चों क्या? प्रथम अनुलग्न। मूल शब्द के बाद लिखा जाता है प्रथम अनुलग्न। क्या लिखा जाता है बच्चों? प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न किसके लिए आता है? प्रथम अनुलग्न आता है यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो अनुलग्न क्या आता है? एन आता है। क्या आता है? अनुलग्न एन आता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं द्विबंध हो तो अनुलग्न क्या आता है? इन आता है। क्या आता है? इन। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं त्रिबंध हो तो अनुलग्न क्या आता है? आइन आता है। क्या आता है? आइन। मान लो दो द्विबंध हो, मान लो अगर कार्बन श्रृंखला में दो द्विबंध हो तो दो द्विबंध के लिए क्या आता है? डाई इन आता है। अगर द्विबंध दो है तो डाई इन आता है। यदि द्विबंध, यदि त्रिबंध दो है, यदि त्रिबंध दो है तो इसके लिए आता है डाई आइन आता है। क्या आता है? डाई आइन आता है। ये ध्यान रखना, अगर एक द्विबंध और एक त्रिबंध हो तो द्विबंध के लिए इन आता है और त्रिबंध के लिए आइन आता है। तो ये क्या हो जाएगा? इनाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनाइन हो जाएगा। ये होता है बेटा प्रथम अनुलग्न। क्या होता है? प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न के बाद में लिखा जाता है बच्चों द्वितीय अनुलग्न। क्या लिखा जाता है बेटा? द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न जो होता है बेटा ये मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। द्वितीय अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए होता है। चलो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है? अब आइए बात करते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह। बेटा दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक मुख्य क्रियात्मक समूह है एक गौण क्रियात्मक समूह। एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और एक गौण क्रियात्मक समूह होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है चलिए मैं बताता हूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने आपको यह लिख करके दिया, ठीक है, मान लो मैंने आपको कोई यौगिक लिख करके दिया, मैंने आपसे बोला कि इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखो, मैंने आपसे बोला कि इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखो। अब यहां पे आपको दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, एक OH दिखाई दे रहा है, एक COOH दिखाई दे रहा है। ये भी क्रियात्मक समूह है,
इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये भी क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? अल्कोहल। अल्कोहल भी क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक भी क्रियात्मक समूह, लेकिन दोनों में से एक क्रियात्मक समूह मुख्य होता है और दूसरा क्रियात्मक समूह गौण होता है। गौण का मतलब जिसको हम वरीयता कम देते हैं, जिसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, जिसका महत्व कम होता है, और मुख्य मतलब कि जिसका महत्व ज्यादा होता है। तो दोनों में से कोई एक क्रियात्मक समूह ऐसा है बेटा जो कि मुख्य होगा और दूसरा क्रियात्मक समूह क्या होगा? गौण होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह वो होता है जो कि दूसरे की तुलना में ज्यादा मुख्य होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसकी वरीयता ज्यादा होती है, वो मेरिट में ज्यादा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसके ज्यादा दूसरे क्रियात्मक समूह की तुलना में वो ज्यादा वैल्यू रखता है, ज्यादा ऊपर होता है मेरिट के अंदर। ऐसा समझो यार, जैसे कि हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। अब स्टेट बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरिट लिस्ट बनती है भाई। स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मान लो दसवीं बोर्ड के एग्जाम है। अब दसवीं बोर्ड के एग्जाम है तो मेरिट में कोई ना कोई बच्चा पहली स्थान पे आएगा, मेरिट में कोई ना कोई बच्चा दूसरे स्थान पे आएगा, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा होगा, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो मेरिट लिस्ट में ना हो, कोई बच्चा ऐसा भी हो जो फेल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन, दुनिया वाले सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी करते हैं? दुनिया वाले सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी करते हैं जो कि मेरिट में फर्स्ट आया है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू। फिर सेकंड रैंक वाले की, फिर थर्ड रैंक वाले की, फिर फर्स्ट डिवीजन वालों की, फिर सेकंड, और जो फेल होता है बेचारे उसको क्या करते हैं लोग? बॉस सुनाते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की। तो बेटा यहां पे भी ऐसा ही होता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल इनकी अपनी एक मेरिट टेबल होती है, क्रियात्मक समूह की एक मेरिट टेबल होती है। उस मेरिट टेबल में कुछ क्रियात्मक समूह ऊपर होते हैं और बाकी क्रियात्मक समूह उनकी तुलना में नीचे होते हैं। मेरिट टेबल में जो क्रियात्मक समूह जितना ऊपर होगा वो उतना ही मुख्य होगा। आपको मैं बाद में मेरिट टेबल बताने वाला हूं, उस मेरिट टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल उस मेरिट टेबल के अंदर नीचे की तरफ होता है और मेरिट टेबल में ज्यादा वरीयता, ज्यादा मेरिट जो होती है, ज्यादा ऊपर वाला स्थान जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो ये हो जाएगा उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह और ये हो जाएगा उसमें गौण क्रियात्मक समूह। समझ में? तो मुख्य और गौण निर्धारित करने के लिए आपको मैं बाद में क्रियात्मक समूह की एक टेबल बताऊंगा। उस क्रियात्मक समूह की टेबल में सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर उससे नीचे आता है सल्फोनिक अम्ल, फिर उससे नीचे आता है अम्ल एनहाइड्राइड, फिर उससे नीचे आता है एस्टर, उससे नीचे आता है एसिड हैलाइड, उससे नीचे आता है अमाइड, अमाइड से नीचे आता है साइनाइड, साइनाइड से नीचे आता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड से नीचे आता है एल्डिहाइड, कीटोन। ऐसे मेरिट टेबल में क्रियात्मक समूह रखे होते हैं। सबसे ऊपर होता है मेरिट टेबल में कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इस मेरिट टेबल में सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब दूसरे सभी क्रियात्मक समूह की तुलना में ये क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? मुख्य। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से ऊपर आता है साइनाइड। मान लो किसी कार्बन श्रृंखला में साइनाइड भी दे रखा है और मान लो उसी कार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड भी दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ साइनाइड और एल्डिहाइड इन दोनों में से मुख्य कौन है? जो भी ऊपर की ओर होगा वो मुख्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, गौण क्रियात्मक समूह है समूह कौन है, ये निर्धारित करने की मेरिट टेबल है। मान लो यदि ये दोनों क्रियात्मक समूह आपको मुख्य श्रृंखला में दे रखे हैं तो इन दोनों में से बेटा ये वाला क्रियात्मक समूह क्या होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो जितना मेरिट टेबल में ऊपर होगा वो उतना ही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। तो यहां पे हम द्वितीय अनुलग्न बेटा जो उपयोग लेते हैं वो किसका उपयोग में लेते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह का उपयोग में लेते हैं। द्वितीय अनुलग्न किसका उपयोग में लिया जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का उपयोग में लिया जाता है। चलिए इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। मूल शब्द से पहले हम लिखते हैं क्या? प्रथम पूर्व लग्न। मूल शब्द से पहले हम क्या लिखते हैं? प्रथम पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं? प्रथम पूर्व लग्न। प्रथम पूर्व लग्न जो उपयोग में लेते हैं बच्चों वो चक्रीय
कार्बन श्रृंखला के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तो हम पूर्व लग्न क्या उपयोग में लेते हैं, साइक्लो उपयोग में लेते हैं। क्या उपयोग में लेते हैं बेटा, साइक्लो। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है, चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए हम साइक्लो उपयोग लेते हैं। ठीक है, प्रथम पूर्व लग्न के बाद में आता है द्वितीय पूर्व लग्न, बाद में क्या मतलब कि पहले। प्रथम पूर्व लग्न के ठीक पहले आता है बेटा द्वितीय पूर्व लग्न। सबसे पहले आ जाएगा द्वितीय पूर्व लग्न, सबसे पहले द्वितीय पूर्व लग्न, फिर हम लिखते हैं प्रथम पूर्व लग्न, फिर हम लिखते हैं मूल शब्द, फिर हम लिखते हैं प्रथम अनुलग्न, फिर हम लिखते हैं द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है बेटा, प्रतिस्थापी के लिए। द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के लिए आता है। चलो प्रतिस्थापी कौन कौन होते हैं आ जाओ, सबसे पहला जितने भी हैलोजन हैं सभी हैलोजन प्रतिस्थापी का काम करते हैं बेटा। सभी हैलोजन किसका काम करते हैं, प्रतिस्थापी का। जैसे कि मान लो क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, मान लो ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, मान लो आयोडीन है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो। समझ रहे हो, तो प्रतिस्थापी में सभी हैलोजन आ जाएंगे। मान लो फ्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे। चलो प्रतिस्थापी में और कौन आता है, प्रतिस्थापी के अंदर सभी हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी आते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जैसे कि मान लो बेटा मैंने लिखा CH3, इस प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। मैंने लिखा C2H5, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी कौन है जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी हो गए। चलिए और इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं गौण क्रियात्मक समूह। कौन आता है बेटा, गौण क्रियात्मक समूह। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो मुख्य और दूसरा गौण। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उनका तो हम क्या उपयोग में लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह का हम द्वितीय अनुलग्न उपयोग में लेते हैं, अनुलग्न उपयोग में लेते हैं। लेकिन जो गौण क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कि इन दोनों में ये गौण होता है और इन दोनों में जैसे कि ये गौण है, तो गौण क्रियात्मक समूह का बेटा क्या उपयोग में लेते हैं, पूर्व लग्न उपयोग में लेते हैं, ये ध्यान रखना। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर गौण क्रियात्मक समूह होता कौन है, अरे भैया बता तो दिया, मेरिट टेबल के अंदर जो तुलनात्मक रूप से ऊपर होगा वो मुख्य होगा और जो नीचे की तरफ होगा वो गौण बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं NO2। NO2 मतलब कि नाइट्रो, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। इसी तरह से एक होता है बेटा एजो, क्या बोलते हैं इसको, एजो बोलते हैं। समझ मेरी बात, इस तरह से एक होता है नाइट्राइटो, क्या होता है, नाइट्राइटो। क्या होता है, नाइट्राइटो। इसी तरह से एक होता है बेटा ओ आर का मतलब होता है एल्कोक्सी, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी वाला प्रतिस्थापी की तरह काम करता है ना। अब एल्कोक्सी मतलब क्या, देखो एल्कोक्सी, अब एल्कोक्सी में देखो जैसे कि उदाहरण मान लो R ग्रुप की जगह मान लो CH3 आ गया, CH3 आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेथोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथोक्सी। मान लो यहाँ पे OC2H5 आ गया तो इसको हम बोलते हैं बेटा एथोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथोक्सी बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा बेटा,
ठीक है। चलिए, तो ये सब बच्चों आपके क्या है, नामकरण के तरीके। तो सबसे पहले द्वितीय अनुलग्न, फिर प्रथम पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्रथम अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मूल शब्द लिखा जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। मूल शब्द का मतलब क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक है तो मैथ, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये सब मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या जो होगी उसके आधार पर मूल शब्द आ जाएंगे। फिर हम लिखते हैं प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है। यदि एकल बंध है तो एन लिखेंगे, यदि द्विबंध है तो इन लिखेंगे, यदि त्रिबंध है तो आइन लिखेंगे, दो द्विबंध तो डाइन लिखेंगे, डायन नहीं डाई इन, दो त्रिबंध तो डाई एन लिखेंगे, द्विबंध त्रिबंध तो इन प्लस आइन लिखेंगे, इन आइन हो जाए। यदि द्वितीय अनुलग्न, प्रथम अनुलग्न के बाद लिखा जाता है बच्चों द्वितीय अनुलग्न, प्रथम अनुलग्न के बाद हम लिखते हैं द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न जो लिखा जाता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए लिखा जाता है बेटा। किसके लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए लिखा जाता है। किसी भी कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मुख्य होगा और दूसरा गौण होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो कि वरीयता सूची में, क्रियात्मक समूह की जो वरीयता सूची होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसमें ऊपर की तरफ होंगे वो मुख्य और जो नीचे की तरफ आएंगे तुलनात्मक रूप से वो गौण। प्रथम पूर्व लग्न, प्रथम पूर्व लग्न हमेशा चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए लगता है। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तो इसके लिए हम पूर्व लग्न प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक पूर्व लग्न से पहले हम द्वितीय पूर्व लग्न लिखते हैं। द्वितीय पूर्व लग्न हमेशा प्रतिस्थापी के लिए होता है। प्रतिस्थापी कौन कौन हो सकता है, ये सभी प्रतिस्थापी हो सकते हैं, सारे हेलोजन, सभी हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी, गौण क्रियात्मक समूह, नाइट्रो, नाइट्राइटो, एजो, एल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी, ये सारे। चल, तो ये पूरी फंडामेंटल चीजें जो कि मैंने आपको बताई। अब हम लिखेंगे बेटा उदाहरण नंबर एक, लिखो उदाहरण नंबर एक, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं CH3, CH2, CH, CH3, CH3। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ हम चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, लेकिन यहां पर तो भैया कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो छोड़ दो उस वाले पॉइंट को, छोड़ दो। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद फिर हम देखते हैं कार्बन श्रृंखला में बहुबंधों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है। बहुबंध का मतलब द्विबंध या त्रिबंध, बहुबंध का मतलब द्विबंध या त्रिबंध। तो देख लो कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध सबसे ज्यादा किस श्रृंखला में, भैया यहां पे कोई द्विबंध नहीं है, कोई त्रिबंध नहीं, तो ये भी छोड़ दो। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, उसके बाद में हम देखते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या किस श्रृंखला में सबसे ज्यादा है। यदि मैं सीधी श्रृंखला का चयन करूं तो कार्बन की श्रृंखला कितनी आ जाएंगी, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने आ जाएंगे, चार। यही हो जाएगी बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला, इससे ज्यादा कार्बन आपको किसी भी श्रृंखला में दिखाई नहीं देंगे। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया। अब दूसरा नियम, दूसरा क्या है बच्चों, अंकन। क्या है बेटा, अंकन। चल अंकन कैसे करते हैं, तो अंकन करने के लिए सबसे पहला नियम क्या है, प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक। लेकिन हमने जो उदाहरण लिखा है उसमें कहीं भी क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, ना तो यहाँ क्रियात्मक समूह है ना यहाँ बहुबंध है, तो भैया क्रियात्मक समूह और बहुबंध वाली जो बात है वो लागू नहीं करनी है। तो क्रियात्मक समूह हमको नहीं लगाना है, क्रियात्मक समूह वाला पॉइंट नहीं लगाना, बहुबंध वाला नहीं लगाना है, बहुबंध वाला लगाना है। अब आ जाओ इस पे, प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन। चलो तो अब हमको लगाना प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापी का मतलब होता है
मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर निकली शाखा। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसके बाहर ये शाखा निकली हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। तो अब हमें नियम क्या बोलता है, देखो नियम बोलता है प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन। चलो प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन, यदि यहां पे एक लिखूंगा तो दो तीन, इस प्रथम प्रतिस्थापी आने वाले पहले प्रतिस्थापी को तीन अंक मिलता है, तो इस प्रतिस्थापी को तीन अंक मिलेगा। लेकिन मान लो यदि आपने यहां पे एक लिखा तो आने वाले पहले प्रतिस्थापी को दो अंक मिलता है, तो आप मुझे बताओ दो वाला निम्नतम है, छोटा अंक कौन सा है, दो या तीन? भैया छोटा अंक जो है वो दो है, ये निम्नतम अंक है बेटा। क्या है ये? निम्नतम अंक। मतलब कि ये जो पर्पल पेंसिल से जो दो लिख रखा है ये सही है, और ये जो नीचे वाला हमने बनाया है ना ये गलत है बेटा, ये अंकन गलत है। मतलब कि ये वाला अंकन जो है ये गलत है। चलो भैया अंकन भी हो गया, अंकन के बाद तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बेटा नामकरण का। किसका है तीसरा स्टेप? नामकरण का। नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं मूल शब्द। क्या लिखते हैं बेटा? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब हमने क्या सीख रखा है? मूल शब्द का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक दो तीन चार, चार कार्बन है, और चार कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है? चार कार्बन के लिए मूल शब्द है ब्यूट। तो चार कार्बन के लिए मूल शब्द आ जाएगा ब्यूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूट आ जाएगा। मूल शब्द के बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्रथम अनुलग्न। मूल शब्द के बाद लिखा जाता है प्रथम अनुलग्न। क्या लिखते हैं? प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न कब उपयोग में लिया जाता है? प्रथम अनुलग्न एकल बंध हो यदि कार्बन के बीच में, तो प्रथम अनुलग्न एन आता है। यदि सारे कार्बन के बीच में, मुख्य श्रृंखला के जितने भी कार्बन इनके बीच में एकल बंध है, तो इसके लिए अनुलग्न क्या आ जाएगा? एकल बंध के लिए एन। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आ जाएगा? एन। प्रथम अनुलग्न के बाद फिर आता है द्वितीय अनुलग्न। क्या आता है बेटा? प्रथम अनुलग्न के बाद आता है द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न किसके लिए आता है? द्वितीय अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। क्या आपको इस कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? जल्दी से लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको इस कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यहां पर द्वितीय अनुलग्न हम उपयोग में नहीं लेंगे। चलिए अब आते हैं प्रथम पूर्व लग्न पे, प्राथमिक पूर्व लग्न। प्रथम पूर्व लग्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रथम पूर्व लग्न की। चलिए प्रथम पूर्व लग्न किसके लिए आता है? देखो प्रथम पूर्व लग्न का मतलब क्या है? यदि चक्रीय मुख्य कार्बन श्रृंखला हो तो प्रथम पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? साइक्लो। क्या यहां पर आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय दिखाई देती है या अचक्रीय दिखाई दे रही? अचक्रीय है। कार्बन श्रृंखला अचक्रीय है तो प्रथम पूर्व लग्न उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये कब उपयोग में लेते हैं? जब चक्रीय कार्बन श्रृंखला हो। फिर आ जाएगा द्वितीय पूर्व लग्न। द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है बेटा? द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है? देखो द्वितीय पूर्व लग्न आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए? प्रतिस्थापी के लिए। और प्रतिस्थापी क्या होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर निकली हुई शाखा। यदि प्रतिस्थापी CH3 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैथिल प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी क्या हो जाएगा? द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के लिए आएगा, और ये प्रतिस्थापी यहां पे क्या है? CH3, जिसको हम मैथिल बोलते हैं। मतलब कि यहां पे इसके पहले क्या आ जाएगा? इसके पहले मैथिल आ जाएगा। ये मैथिल
कौन से कार्बन पे लगा हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैथिल दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो इस दूसरे कार्बन पे मैथिल का अंकन करना बहुत जरूरी है। मतलब किसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2-methyl, क्या लिखा, ब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन, या आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो 2-methyl ब्यूटेन, ये आ जाएगा बच्चों, समझ में आया। इस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। चलो उदाहरण नंबर 2, अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण और लिखेंगे बेटा, CH3CH CH3CH CH3CH2CH2CH3। चलिए इसकी बात करते हैं। अच्छा एक बात बच्चों ध्यान रखें, ये जो यौगिक है इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, ये एल्केन श्रेणी के यौगिक है। एल्केन का मतलब जिनका फॉर्मूला CnH2n+2, जो CnH2n+2 फॉर्मूले का पालन करते हैं वो एल्केन है। ये यौगिक CnH2n+2 का पालन करते हैं। कितने कार्बन है यहां पे, यहां पे टोटल 5 कार्बन है। देखो टोटल 5 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 3 11 और 1 12 हाइड्रोजन है। मतलब कि यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो एल्केन का फॉर्मूला, तो ये यौगिक एल्केन हो गया। तो बच्चों हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एल्केन के नामकरण की बात कर रहे हैं, एल्केन का नामकरण, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। हम एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण की अभी बात कर रहे हैं। चलो एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण में दूसरा एग्जाम्पल, चलिए आप मुझे बताइए सबसे पहला हम क्या करते हैं। मैं बच्चों आपको इतनी बार बोल बोल करके बता दूंगा कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा दिमाग, आपके दिमाग में चीजें कंठस्थ हो जाएंगी कि भैया पहली स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, तीसरी स्टेप में क्या करना है। मैं बार 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 हर एग्जाम्पल में आपको इतना रिपीट करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है, मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। मुख्य श्रृंखला के चयन का सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य श्रृंखला के चयन का सबसे पहला नियम, अब देखो मत सोचो, मेरे ख्याल से अब तो याद हो गया होगा। सबसे पहला नियम क्या है सोचो थोड़ा। सबसे पहला नियम है सर, आपने बताया था सबसे अधिक क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे अधिक मुख्य क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला का चयन। यहां पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे अधिक बहुबंधों वाली कार्बन श्रृंखला का चयन। सर यहां पे कोई बहुबंध नहीं है, ना तो द्विबंध है ना त्रिबंध, ये भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे अधिक संख्या में कार्बन वाली मुख्य श्रृंखला का चयन, यही है वो कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद बहुबंध देखो, बहुबंध के बाद आप देखो कार्बन की संख्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा। चलो ये हो गया दूसरा। दूसरा है बेटा अंकन, क्या है अंकन। अंकन कहां से करते हैं, याद करो याद करो याद करो, बार बार नियमों को देखोगे तो याद कैसे होगा। चलो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले अंकन में हमने क्या पढ़ा था, अंकन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। लेकिन बेटा अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्रियात्मक समूह है ही नहीं, फिर हम बात करते हैं बहुबंध की, अभी जो एग्जांपल दिया उसमें बहुबंध भी नहीं है, तो फिर हम बात करते हैं प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन। प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी, ये रहा पहला प्रतिस्थापी, ये प्रथम प्रतिस्थापी और ये दूसरा प्रतिस्थापी। प्रथम प्रतिस्थापी के लिए 1-2, निम्नतम अंकन क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं यहां से अंकन करता हूं 1-2-3
चार, यहाँ पे जो प्रथम प्रतिस्थापी आएगा यहां से जाने पर पहले प्रतिस्थापी को अंकन क्या मिलेगा, चार मिलेगा। तो यहां पे निम्नतम अंकन नहीं है, यहां से चलने पर निम्नतम अंकन दो आता है, मतलब कि ये वाला क्या है, गलत है। क्या है बेटा, गलत है। प्रथम प्रतिस्थापी को यहां से निम्नतम अंकन मिलता है टू। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये दो तीन चार पांच, ये अंकन हो गया सही। तीसरा आ जाएगा नामकरण। क्या आ जाएगा बेटा, नामकरण। नामकरण को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले मूल शब्द। बहुत अच्छी बात है। मूल शब्द का मतलब मैंने क्या बताया था, मूल शब्द का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में मेरे प्यारे बच्चों एक दो तीन चार पांच छह कार्बन है। छह कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है, हेक्स आता है। क्या आता है बेटा, हेक्स। चल मूल शब्द के बाद फिर आता है प्रथम अनुलग्न। क्या आता है, प्रथम अनुलग्न। सभी कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध। एकल बंध के लिए प्रथम अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन। प्रथम अनुलग्न के बाद लिखा जाता है द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न किसके लिए आता है, द्वितीय अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। लेकिन इस कार्बन श्रृंखला में मुझे मुख्य क्रियात्मक समूह नजर नहीं आता, इसका मतलब द्वितीय अनुलग्न नहीं आएगा। मूल शब्द से पहले क्या आता है, प्रथम पूर्व लग्न। प्रथम पूर्व लग्न किसके लिए आता है, याद करो याद करो याद करो। प्रथम पूर्व लग्न आता है यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय हो, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है, ये रिजेक्ट मारो। प्रथम पूर्व लग्न से पहले क्या आएगा, द्वितीय पूर्व लग्न। क्या आएगा, द्वितीय पूर्व लग्न। द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। ये आता है प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, सीएसटी का नाम मैंने बताया था बेटा, इसको हम बोलते हैं मैथिल, इसको हम बोलते हैं मैथिल। तो यहाँ पे दो दो मैथिल है, ये मैथिल, दो दो मैथिल, मतलब कि यहाँ पे डाई मैथिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाई मैथिल। जब भी दो मेथिल हो तो डाइमेथिल, जब भी तीन मेथिल हो तो ट्राइमेथिल, चार मेथिल हो तो टेट्रामेथिल, पांच मेथिल हो तो पेंटामेथिल, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। और इन दोनों मेथिल का अंकन क्या है, दो और तीन, ये दो पे ये तीन पे, यहां आ जाएगा दो तीन, ऐसे आ जाएगा। चलो तो ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा टू थ्री डाइमेथिल हेक्स प्लस एन, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और अगर अंग्रेजी में लिखना है तो टू थ्री डाइमेथिल हेक्सेन, टू थ्री डाइमेथिल हेक्सेन, ये हो जाएगा अंग्रेजी में, ये हो जाएगा भैया हिंदी में। इस तरीके से आपको करना। चलो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर तीन। बेटा समझ में आ रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा है हमको नियमों का पालन किस क्रम में करना, समझ में आ रहा है ना, बस ये ध्यान रखना। चलो उदाहरण नंबर थ्री लिखना बेटा इसको, ये देखिए इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। आप मुझे बताओ क्या यहां पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है, ना जी ना, यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह कोई नहीं दिख रहा है। क्या यहां पर बहुबंध है, ना जी ना, बहुबंध भी नहीं है, यहाँ पे कोई मुझे बहुबंध नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना तो मुख्य क्रियात्मक समूह ना बहुबंध दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम देखते हैं क्या कार्बन की संख्या, सबसे अधिक कार्बन संख्या
तो क्रियात्मक समूह के बाद बहुबंध, बहुबंध के बाद कार्बन की संख्या। जिस श्रृंखला में कार्बन सबसे ज्यादा वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो भैया सबसे ज्यादा जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन वही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। देखो सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है, देखो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो देखो यहां पे कार्बन सबसे ज्यादा है, ये देखो सबसे ज्यादा कार्बन है यहाँ, है ना। चलो इसका मतलब मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चलो दूसरा, उसके बाद आता है बेटा क्या, अंकन। क्या आता है बेटा, अंकन। अंकन कैसे करते हैं, अंकन करने का तरीका मैंने बताया था, पहले क्रियात्मक समूह फिर बहुबंध। तो अंकन करने का तरीका क्या है, पहले क्रियात्मक समूह फिर बहुबंध। लेकिन ना तो क्रियात्मक समूह उदाहरण में ना बहुबंध है, तो छोड़ दो इसको। प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन। ये रहा प्रतिस्थापी, ये रहा प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी का नाम मैथिल और इस प्रतिस्थापी का नाम भी मैथिल। ये रहे दो प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या, मुख्य श्रृंखला के बाहर जो शाखाएं निकली हुई हैं उसे हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापी। तो ये हो गए प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी के लिए अंकन कैसे करते हैं, प्रतिस्थापी के लिए अंकन का नियम है प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक। चलो मैं यहां पे अगर एक लिखूं तो ये दो, और ये पहला प्रतिस्थापी ये रहा, इसको मिल जाएगा तीन। चलो तो प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक क्या मिल रहा है, तीन। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने, कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां से अंकन नहीं करना, वो बोल रहा है मैं यहां से करूंगा, एक दो तीन चार। अरे भैया पहले प्रतिस्थापी को अंकन क्या मिल रहा है, निम्नतम अंक चार, ये चार मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ दोनों में से निम्नतम कौन सा है, तीन और चार में छोटी संख्या कौन सी है, तीन वाली संख्या छोटी है। मतलब कि ये वाला जो अंकन है ना ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये अंकन गलत है। और ये वाला अंकन जो है ये सही है, ये वाला अंकन सही है, चार पांच छ सात आठ, ये अंकन सही है। तीसरा आता है भैया क्या, नामकरण। क्या आता है बच्चों, नामकरण। नामकरण में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में आठ कार्बन है। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में आठ कार्बन है तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द ऑक्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑक्ट। इसको और बढ़िया तरीके से हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं ऑक्ट लिखते हैं। मूल शब्द के बाद हम लिखते हैं बेटा प्रथम अनुलग्न। क्या लिखते हैं, प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न लिखते हैं हम किसके लिए, ये होता है एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध के लिए। इस कार्बन श्रृंखला में सारे एकल बंध, एकल बंध के लिए प्रथम अनुलग्न क्या आएगा, एन आएगा। तो ऑक्ट प्लस एन हो जाएगा। प्रथम अनुलग्न के बाद द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। लेकिन बच्चों यहां गौर करना, इस कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी क्रियात्मक समूह नहीं है, मतलब कि द्वितीय अनुलग्न नहीं आएगा। मूल शब्द से पहले आएगा प्रथम पूर्व लग्न, प्रथम पूर्व लग्न। प्रथम पूर्व लग्न आता है यदि कार्बन श्रृंखला क्या है, चक्रीय। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तो अनुलग्न क्या आता है, साइक्लो आता है। लेकिन यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है, प्रथम अनुलग्न नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। द्वितीय अनुलग्न आता है प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे कितने प्रतिस्थापी है बेटा, यहाँ पे दो प्रतिस्थापी, दोनों मेथिल। जब भी मेथिल दो बार हो तो एक और दो, दो मेथिल डाई मेथिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मेथिल। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। और ये दोनों मेथिल का अंक क्या है, ये वाला मेथिल तीन पर और ये वाला मेथिल पांच पर। तो पहले तीन और फिर
पांच आ जाएगा। तो नाम क्या हो गया, देखो इसका नाम क्या हो गया, 3,5-dimethyl, नाम हो गया 3,5-dimethyl ऑक्ट प्लस एन, ये आ जाएगा ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन आ जाएगा। और यहां पे हम लिखते हैं 3,5-dimethyl ऑक्टेन, ऐसे नाम हो जाएगा बेटा। समझ में आई यहां तक बात? चलो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, CH3, CHCl, CHBr, CH2, CH3। ये देखो बेटा, इसको देखो, इस वाले यौगिक में बात करें तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जब चयन करते तो बताओ बताओ सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह वाली कार्बन श्रृंखला देखते हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। ये तो क्या होता है, हैलोजन तो क्या कहलाता है, हैलोजन तो प्रतिस्थापी कहलाता है। हैलोजन क्या कहलाता है बेटा, प्रतिस्थापी कहलाता है। मुख्य क्रियात्मक समूह कहीं पर भी नहीं है, बहुबंध कहीं पर भी नहीं है। जब मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, बहुबंध नहीं है, तो अब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के लिए देखते हैं बेटा सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला एक ही है, तो जो है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। आंसर आ जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन का। फिर आता है बेटा क्या, अंकन। अंकन कहां से करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, बहुबंध नहीं है, तो अंकन के लिए हम देखते हैं प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक। यहां से अंक करूंगा तो पहले प्रतिस्थापी को 2 मिलता है बेटा, लेकिन यहां से अगर अंकन करूंगा तो पहले प्रतिस्थापी को 3 मिलता है। 2 और 3 में से निम्नतम कौन सा है, छोटी संख्या होती है 2, ये है छोटी संख्या, मतलब कि ये वाला अंकन जो ये सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही, ये वाला सही, जो लिखा है ये सही। अंकन भी हो गया, अंकन के बाद तीसरा आता है नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1, 2, 3। अंकन कहां से करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, बहुबंध नहीं है, तो अंकन के लिए हम देखते हैं प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक। यहां से अंक करूंगा तो पहले प्रतिस्थापी को 2 मिलता है बेटा, लेकिन यहां से अगर अंकन करूंगा तो पहले प्रतिस्थापी को 3 मिलता है। 2 और 3 में से निम्नतम कौन सा है, छोटी संख्या होती है 2, ये है छोटी संख्या, मतलब कि ये वाला अंकन जो ये सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही, ये वाला सही, जो लिखा ये सही। अंकन भी हो गया, अंकन के बाद तीसरा आता है नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और 5। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 5 कार्बन को अंग्रेजी में पेंट बोलते हैं, और ये आ गया पेंट। मूल शब्द के बाद हम लिखते हैं प्रथम अनुलग्न। क्या लिखते हैं, प्रथम अनुलग्न। प्रथम अनुलग्न क्या होता है बेटा, अगर कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन के बीच एकल बंध हो तो एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आता है, एन आता है बेटा। क्या आता है, एन, तो पेंट प्लस एन, पेंट एन हो जाएगा। प्लस द्वितीय अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न यहां पे क्या है बेटा, द्वितीय अनुलग्न आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। क्या यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो द्वितीय अनुलग्न नहीं आएगा। चलो मूल शब्द से पहले क्या आता है,
प्राथमिक पूर्व लग्न। प्रथम पूर्व लग्न किसके लिए आता है? यदि मुख्य श्रृंखला चक्रीय है। क्या यहाँ पे मुख्य श्रृंखला चक्रीय है? नहीं, ये नहीं आएगा। तो अब आ जाओ सीधे किस पर? द्वितीय पूर्व लग्न पर। द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है? ये आता है प्रतिस्थापी के लिए। द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के लिए आता है। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन कौन है? क्लोरो और ब्रोमो। इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो। क्लोरो का अंग्रेजी वर्णमाला में सी और ब्रोमो का अंग्रेजी वर्णमाला में बी। क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है उसे हम पहले लिखेंगे, ब्रोमो का भी इसको हम पहले लिखेंगे, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में है उसको हम बाद में लिखेंगे। ब्रोमो का भी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में। क्लोरो कौन सी स्थिति पर है? क्लोरो दो पर है, तो यहां पे आ जाएगा क्लोरो को दो पर। और ब्रोमो किस पर है? ब्रोमो तीन पर, तो ब्रोमो आ जाएगा यहां पर तीन पर। तो नाम क्या हो रहा है? थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंट प्लस एन। तो ये आ जाएगा थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंट प्लस एन। तो नाम हो जाएगा इसका थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंटेन, ये नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। चलो उदाहरण संख्या पांच के बाद, चार के बाद उदाहरण पांच। उदाहरण पांच क्या आएगा? सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री। ये देखो, इसको देखो। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह, नहीं है। फिर हम देखते हैं बहुबंध, नहीं है। फिर हम देखते हैं सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या, यहीं पे दिख रही भी है सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या। ये हो गई मुख्य श्रृंखला का चयन। दूसरा दूसरा हम देखते हैं अंकन। क्या देखते हैं बेटा? अंकन। अंकन के लिए भी सबसे पहले क्या देखते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह। फिर हम क्या देखते हैं? बहुबंध देखते हैं। और बहुबंध के बाद हम देखते हैं प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन। ये रहा प्रतिस्थापी और ये रहा प्रतिस्थापी। प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन। यदि यहां पे एक लिखूंगा तो इस प्रतिस्थापी को दो मिलेगा, यदि यहां पे एक लिखूंगा तो इस प्रतिस्थापी को दो मिलेगा। यहां से आने वाला पहला प्रतिस्थापी दो प्राप्त करेगा, यहां से भी आने वाला पहला प्रतिस्थापी दो प्राप्त करेगा। दोनों दिशाओं से प्रथम प्रतिस्थापी को अंकन समान मिल रहा है। चलो दोनों के लिए, समूह के लिए कितना आएगा? देखो एक दो तीन चार पांच, इन दोनों प्रतिस्थापियों के लिए यहां पे दो और ये क्या चार, तो दो चार आ गया। और मान लो यहां से अंकन करते हो, मान लो यहां से अंकन करते हो एक दो तीन चार और पांच, इस वाले प्रतिस्थापी को दो और इस वाले प्रतिस्थापी को चार, तो यहां से भी दो चार आ रहा है। यहां से शुरू करोगे तब भी दोनों को दो चार, यहां से चालू करोगे तब भी दोनों को दो चार। दोनों के समूह भी क्या आ रहे? समान आ रहे। अंकन में दोनों के समूह भी समान आ रहे। अब बताओ अब क्या करें? देखो अब क्या करेंगे? देखो यदि प्रथम प्रतिस्थापी को दोनों दिशाओं से समान अंक मिलता है दो दो, तो फिर हमको देखना होता है सभी प्रतिस्थापियों के लिए निम्नतम अंकन समूह। दोनों दिशाओं से दो चार आ रहा है, दोनों दिशाओं से प्रतिस्थापियों के लिए निम्नतम अंकन समूह दो चार समान आ रहा है, इससे भी नहीं आएगा। द्विबंध कार्बन श्रृंखला में द्विबंध तो है ही नहीं, त्रिबंध कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध भी नहीं है। तो अब देख लो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। चलो बहुत बढ़िया, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो का होता है बी और क्लोरो का होता है सी। ये सी है
और ये बी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बी, अंग्रेजी वर्णमाला में सी। अंग्रेजी वर्णमाला में वो पहले आता है तो हमें ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है वहीं से निम्नतम अंकन करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है वहीं से निम्नतम अंकन करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रह्मो का भी पहले आता है, इसी को निम्नतम अंकन देना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो टू पे क्या है, टू पे है, चलो ये अंकन हो गया। चलो अब तीसरा क्या, नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है मूल शब्द। क्या आता है, मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में पांच कार्बन। पांच कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। चलो मूल शब्द के बाद क्या आता है, अनुलग्न प्रथम। प्रथम अनुलग्न क्या आ जाएगा, प्रथम अनुलग्न आ जाएगा एकल बंध के लिए। क्या आ जाएगा, एकल बंध के लिए प्रथम अनुलग्न एन आ जाएगा, तो पेंट प्लस एन। द्वितीय अनुलग्न किसके लिए आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। द्वितीय अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह इस कार्बन श्रृंखला में कोई है ही नहीं, द्वितीय अनुलग्न ही अनुलग्न नहीं आएगा। प्लस प्रथम पूर्व लग्न, प्रथम पूर्व लग्न क्या आएगा, प्रथम पूर्व लग्न चक्रीय श्रृंखला के लिए आएगा। यहां पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय है ही नहीं तो प्रथम पूर्व लग्न नहीं आएगा। द्वितीय पूर्व लग्न, द्वितीय पूर्व लग्न आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। यहां पे प्रतिस्थापी कौन है, क्लोरो और ब्रोमो। तो भैया ब्रोमो का बी पहले आएगा और क्लोरो का सी बाद में आएगा और फिर आ जाएगा पेंट एन। तो क्लोरो किस पर है, क्लोरो चार पर, तो क्लोरो चार पर। और ब्रोमो किस पर है, ब्रोमो दो पर, तो ब्रोमो दो पर। तो ये नाम पूरा क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो फोर क्लोरो पेंट प्लस एन, पेंट एन हो जाएगा। ये नाम आ जाएगा बेटा, यहां पे ये नाम हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाओ एक एग्जांपल और, उदाहरण संख्या सिक्स। किसकी बात करेंगे, उदाहरण संख्या सिक्स की। चलिए CH3, CH2, CH, CH3, 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 CH3। चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्या, सबसे पहला मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। क्रियात्मक समूह है क्या यहाँ पे, क्रियात्मक समूह नहीं है। बहुबंध है क्या यहाँ पे, बहुबंध नहीं है। तो अब हम देखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यदि मैं देखूं तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह। यहाँ पे कार्बन की संख्या छह कार्बन, और कहीं कार्बन की संख्या छह है। अरे सर यहां पर भी कार्बन की संख्या छह है, देखो ये भी सर कार्बन की संख्या यहां पर भी छह, सर इसमें भी कार्बन की संख्या छह आ रही। अच्छा इसमें भी छह आ रही, बहुत अच्छी बात है। तो सर अब क्या करें, एक दो तीन चार पांच छह, सर तो क्या करें, सीधी श्रृंखला में भी छह कार्बन और इस श्रृंखला में भी छह कार्बन। अब किसको तय करें, अब किसको मुख्य कार्बन श्रृंखला माने, जब ये भी छह कार्बन है वो भी छह कार्बन, तो अब मुख्य कार्बन श्रृंखला किसको माने, क्योंकि दो दो। तो ऐसी कंडीशन में अब हमको क्या देखना है, देखो ऐसी कंडीशन में हमको देखना है अगर दो दिशाओं से कार्बन की संख्या समान हो, सीधी श्रृंखला में भी छह कार्बन और ऊपर से नीचे आने पर भी छह कार्बन, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिस्थापियों की संख्या देख लो किसके पास प्रतिस्थापी ज्यादा हैं। यदि मैं सीधी कार्बन श्रृंखला की बात करूं, यदि मैं सीधी कार्बन श्रृंखला की बात करूं, यदि मैं सीधी कार्बन श्रृंखला की बात करूं, तो यहां पर प्रतिस्थापी कितना आएगा, एक। तो सीधी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितना आएगा, एक प्रतिस्थापी आएगा। और यदि आप कार्बन श्रृंखला सीधी ना लेकर के आप कार्बन श्रृंखला
यदि मान लो आप कार्बन श्रृंखला सीधी ना लेकर के कार्बन श्रृंखला ऐसी लेते हो, कार्बन श्रृंखला आप यदि ये लेते हो, तो यहां पे प्रतिस्थापी कितने हैं, एक और दो, यहां पे दो प्रतिस्थापी। तो ये वाली कार्बन श्रृंखला जो है ये नीचे की तरफ जो जा रही, नीचे वाली कार्बन श्रृंखला जो है जो इधर से नीचे जा रही, इसमें कितने प्रतिस्थापी, एक और दो, दो प्रतिस्थापी हुई। तो सीधी सी बात है, प्रतिस्थापियों की संख्या कहां ज्यादा है, यहां पे एक है यहां दो, तो ये नीचे वाली कार्बन श्रृंखला ये जो है यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। दूसरा काम क्या है, अंकन का। दूसरा काम क्या बेटा, अंकन कैसे करते हैं। अंकन में भी सबसे पहले हम मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, लेकिन यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद बहुबंध की बात करते हैं, लेकिन यहां पे बहुबंध नहीं। बहुबंधों के बाद हम बात करते हैं प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंकन। यदि यहां से अंकन करोगे तो ये पहले प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक क्या मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। यदि यहां से अंकन करोगे तो पहले प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक क्या मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। और यदि यहां से अंकन करोगे तो देखो यहां पे आने वाला ये जो पहला प्रतिस्थापी, इसको अंकन चार मिलेगा। तो यहां से करोगे दो, वहां से करोगे चार। निम्नतम कौन सा, ये दो वाला है या चार वाला, भैया निम्नतम कौन सा है, दो वाला या चार वाला। दो और चार में निम्नतम कौन है, दो और चार में निम्नतम दो वाला है। मतलब कि दो और चार में निम्नतम यदि दो है तो ये वाला गलत है, ये गलत है, ये निम्नतम नहीं है, ये है भैया निम्नतम। फिर दो के बाद यहां तीन चार पांच और छह हो जाएगा। चल ये हो गया अंकन। अंकन के बाद तीसरा क्या है बेटा, नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा मूल शब्द को। किसको लिखते हैं, मूल शब्द को। मूल शब्द मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में छह कार्बन है। छह कार्बन के लिए मूल शब्द आता है हेक्स। मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में सारे बंध एकल हैं तो एकल बंधों के लिए अनुलग्न क्या आता है, हेक्स प्लस एन। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहां पे क्या कोई आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, ना जी ना, यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। यहां पे आता है प्रथम पूर्व लग्न, प्रथम पूर्व लग्न। क्या यहां पर आपको कार्बन श्रृंखला चक्रीय दिखाई दे रही है, नहीं, प्रथम पूर्व लग्न आता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए, लेकिन यहां पे चक्रीय कार्बन श्रृंखला नहीं, हटा दो। फिर आता है द्वितीय पूर्व लग्न। द्वितीय पूर्व लग्न किसके लिए आता है, द्वितीय पूर्व लग्न आता है प्रतिस्थापी के लिए। द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के लिए आता है। यहां पे कितने प्रतिस्थापी हैं, एक है आपका मैथिल और दूसरा प्रतिस्थापी, इस प्रतिस्थापी को हम बच्चों बोलते हैं एथिल। दो कार्बन वाला प्रतिस्थापी जो है इसको एथिल बोलते हैं, इसको मैथिल बोलते हैं। याद रखना बेटा, याद रखना, एक कार्बन वाला मैथिल, दो कार्बन वाला ये जो, इसको एथिल बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में मैथिल का एम पहले आता है या एथिल का ई पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है। तो एथिल को पहले लिखोगे और उसके बाद लिखोगे बेटा मैथिल को। बात समझ में आई, एथिल कौन से अंक पर है, तीन पर, तो एथिल यहां पे आ जाएगा तीन पर, और मैथिल कौन से अंक पर है, दो पर, तो मैथिल आ जाएगा दो। तो ये नाम क्या हो जाएगा, थ्री एथिल टू मैथिल हेक्स प्लस एन हेक्सेन, या आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो थ्री एथिल टू मैथिल हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हो। तो ये पूरा आज का लेक्चर था बेटा। अगली क्लास में हम बहुबंध वाले केस भी देखेंगे और क्रियात्मक समूह वाले केस भी देखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बहुबंध वाले केस भी बताऊंगा और क्रियात्मक समूह वाले केस भी
बताऊंगा। आज मैंने बहुबंध और क्रियात्मक समूह वाले केस मैंने नहीं पढ़ाया, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए तो आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आईयूपीएसी नामकरण के समय सबसे पहले अंकन होता है। सबसे पहले अंकन हम किसका करते हैं आईयूपीएसी नामकरण के दौरान? मुख्य क्रियात्मक समूह का, बहुबंध का, प्रतिस्थापी का, किसका? चलिए कर लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन। मुख्य श्रृंखला चयन के दौरान निम्न क्रम का अनुसरण होता है। मुख्य श्रृंखला चयन के दौरान कौन से क्रम का अनुसरण होता है, बताओ? चलिए कर लिया होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, आईयूपीएसी नामकरण के दौरान चाहे अंकन करो, चाहे मुख्य क्रियात्मक समूह का चाहे अंकन करो, चाहे मुख्य श्रृंखला का चयन करो, सदैव मुख्य क्रियात्मक समूह को वरीयता पहले देते हैं और उसके बाद बहुबंध आता है। चाहे अंकन करो, चाहे मुख्य श्रृंखला का चयन करो, मुख्य क्रियात्मक समूह सबसे पहले वरीयता दी जाती है। मुख्य श्रृंखला के चयन के दौरान कुछ भी करो, मुख्य क्रियात्मक समूह को सबसे पहले वरीयता देंगे, फिर बहुबंध को, फिर प्रतिस्थापी। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने आईयूपीएसी नामकरण में एल्केन और उनके व्युत्पन्नों के नाम पढ़े, एल्केन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों के नामकरण। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में भी हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में मैं बच्चों बहुबंध और क्रियात्मक समूह के केस जरूर बताऊंगा आपको। चले बच्चों आज के लिए इतना ही।